दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। आपको बताते चलें कि अकील अहमद सैफी जो खुद जवानी के दौर से ही राजनीति में आ गए थे, वहीं उन्होंने दंडी विधायक के साथ रहकर अपनी पहचान बनाई थी। उसी दौर से दैनिक जागरण समाचार पत्र में निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता करते हुए सिर्फ शाहबाद क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले में अपना नाम रोशन किया था और आज अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर उनका बेटा आदिल नवाज सैफी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। महज 8 साल की उम्र से ही आदिल नवाज ने भी जहां पूर्व जिला अधिकारी रह चुके महेंद्र बहादुर सिंह एवं उनकी पत्नी से मुलाकात कर अपने आप को लोगों के सामने पेश किया, वहीं रामपुर के पूर्व जिला अधिकारी एवं वर्तमान कमिश्नर श्री अंजनेय कुमार सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। और आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी जी से मुलाकात करने के बाद आदिल नवाज सैफी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी कोई ना कोई कामयाबी का परचम जरूर लहराएंगे।